यहाँ बुलाया और संपा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी सुंदर इनके मतलब जितनी भी एक एक पेंटिंग इतनी सुंदर है, अपने आप में बोल रही है, कुछ कहानी बता रही है। और इन्होंने एक महिला का चेहरा लिया है। हम सुबह से उठ कर शाम तक सोते सोते हमारे कितने मूड स्विंग्स होते रहते हैं, हम कितने सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने रंगों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, पाना चाहे। जैसे आसमान का ब्लू कलर है तो आसमान कितना अनंत है, तो हमारे इच्छाएं भी होती हैं, उन इच्छाओं को हम पा सकते हैं। पीला कलर संभावना का प्रतीक है, इस तरह के हर कलर इन्होंने लिए। फिर मास्क लगाए कि हर इंसान के चेहरे पर एक चेहरा रहता है, तो चेहरे के अंदर क्या है हमें पता नहीं पड़ता है। कई बार हम बाहर से इंसान को कुछ समझते हैं, भीतर वो कुछ और होता है। तो इन्होंने जो मानवीय संवेदनाओं को इसमें उभारा है और मानव का जीवन कैसा होता है, चरित्र कैसा होता है, उसको उन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है। ये जो मेरी समझ है, छोटी सी जो समझ है, इसके बारे में मैं कह रही हूँ। आपने जो बताया वो एकदम मतलब 100% करेक्ट है। और आपको वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमिंग माय शो मनी जी को। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरा पेंटिंग को इतना अच्छा तरह से प्रेजेंस किया। थैंक यू। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपने खुद ने बताया है इसमें कि हर और हम कहते ना, शिखर के बाद शिखर और है, चढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हमारी पेंटिंग बिक रही है या नहीं बिक रही है, हमें वो ही सोचना है। तो मुझे मेरा काम करना है, करते जाना है। और बहुत साल लगते हैं किसी भी, हम जो बीज भी बोते हैं ना, तो उसको फसल लाने में समय लगता है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। और इंतजार का फल हमेशा मीठा रहता है। और भगवान आपके साथ, अनुश्री हैं, ये सारे हमारे मीडिया वाले हैं, तो आप देखिए आपका एक अलग नया शिखर बन गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे एक लाइन पोएट्री ना सुने तो मैं तो इनसे कहती हूँ कि इंद्रधनुष्रेशन रंगों में इंद्रधनुषी रंग है, आसमान में छाए हुए हैं। और सूर्य के साथ अश्वों पर बैठकर आप उस आसमान को छू लो कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और इसमें इनके बच्चे और इनके पतिदेव का भी सहयोग है। देखिए, कोई भी नारी जब आगे काम करती है ना, परिवार साथ में होता है, तब जाकर हम काम कर सकते हैं। तो हम अपना मैं तलाश करें, लेकिन मैं को हम बनाकर परिवार को साथ लेकर चले, तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे, मेरा पेंटिंग आपने इतना अच्छे तरह से प्रेजेंस किया, सचमुच बहुत बहुत मतलब आपने समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बड़ा लगा। थैंक यू। आपको बुला था एक फोटोग्राफ लेके जगन्नाथ जी आजा जी कि मुझे एग्जीबिशन में आया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। और जैसे मैंने बताया कि थैंक यू फॉर क्या, आपने मुझे इतनी अच्छी हाथ से पेंसिल से जो बना के जो पेंटिंग दी, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। तो हमें जो ऐसे जो आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने एक बेहतरीन लेवल पर, तो हमें उन सबको और सपोर्ट करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। क्योंकि कला ऐसी चीज़ है कि कला को एक आम इंसान तक कला तभी पहुँचेगी जब हम सब उसका सहयोग करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और एक जो सही आर्टिस्ट होता है ना, तो बेचारा उसी में लगा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि भाई कब दिन है, कब रात है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं होना है। तो वो दुनियादारी से थोड़ा कट जाता है, और जो नहीं कटेगा ना, फिर वो सही आर्टिस्ट नहीं बन पाता है। तो दोनों चीज़ ऐसी रहती हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया, बहुत अच्छा लगा। और आप सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप सब तो समाज का ही ना हो, क्योंकि आप सबके बिना भी तो दिखेगा नहीं कि क्या 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 आर्टिस्ट क्या कर रहा है, या एक्टर क्या कर रहा है, या स्पोर्ट्स पर्सन क्या कर रहा है, या सोशल वर्कर क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच। वाह, आप दिल पे ले लिया, मैं जब मजाक कर रहा था। नहीं, दिल पे नहीं, ये ट्रू है, उसका मेरा लेआउट चल रहा है। अच्छा भैया, एक अच्छी बात ये कि मैंने एक फिल्म की थी अभी, वो अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हो गई है सरकार के। कंग्रेचुलेशन। बाकी पता नहीं भैया, मिलेगा तो अच्छी फिल्म है तो मिलना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिल्म के बारे में दो लाइन बोलेंगे। मैंने एक फिल्म की थी अभी, उड़ान जिंदगी की, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो मेरे थोड़े से जैसे बता ना, मेंटर भी और दोस्त भी थे खट्टर साहब हरियाणा के। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे बहुत नशे वाली चीज़ें चलती या गैंगस्टर टाइप से चीज़ चलती है, तो यूथ के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा सर क्या करना चाहिए। फिर हमने एक फिल्म की थी जो एक एस्पायरिंग एथलीट के ऊपर थी। तो फिल्म करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि आधी ज़िंदगी तो मैं अपनी जी रहा हूँ। तो उस फिल्म को बहुत
सब ने बहुत पसंद किया कि ओ टी टी पर आई हूँ, और मुझे आज पता चला कि वो अवार्ड के लिए वो नॉमिनेशन में आ गई है जो वहाँ के सरकार के हैं, तो वही अच्छी बात है, हम चाहेंगे उसका अवार्ड मिले, आगे बढ़े, और जो हमने काम किया है वो काम सबके सामने, थैंक यू। ये भी उड़ान जैसे इंस्पायर करती है। बिल्कुल, इनकी शांपा जी की जो सारी मैंने पेंटिंग देखी ना, देखो उसमें एक खास बात थी, मैं भले ही कर रहा था, हर पेंटिंग का एक अलग भाव था, उनकी सोच अलग थी, आंखें अलग थी, कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार कहते हैं ना कि किसी इंसान को या किसी चीज़ को समझने के लिए है ना आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, एक्चुअल उनके हाव भाव से, उनकी आँखों से, उनके एक्सप्रेशन से वही ज़रूरत होती है। देखो जैसे एक एक फिल्म आई थी, कोई शायद रोहित शेट्टी जी ने बनाई थी, एक उसमें एक्टर था, वो मेरा जानने वाला भी है, मैंने कहा भैया जिस फिल्म में आप नहीं बोले ना, ये फिल्म आपकी सबसे बेस्ट एक्टिंग में। तो क्या होता है, कई बार हमें अच्छा अपना मैसेज देने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती है, कई बार बगैर भाषा के बगैर उसकी एक्सप्रेशन ही चला जाता है। फेस का एक्सप्रेशन, और शांपा जी आपकी जो पेंटिंग है ना वो यूनिक है, अद्भुत है, आपने जो जितने कलर किए हैं सब कुछ किया है, तो अगली बार हम चाहेंगे कि ये सेम कलर आप लड़कों के घर के लाएं। नेक्स्ट आपको ये फिर आना है जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, नमस्ते। Yeah, I'm very happy, very honored to be here today, and thank you very much to Champa Paul ji for inviting me, making me the guest of honor. I'm very impressed with her work today. I've always felt that art and education are intertwined, and I've been in educationist now for the past 25 years. So 25 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अध्यापक हूँ, और मैं मानता हूँ कि आर्ट और एजुकेशन का बहुत गहरा संबंध है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं कर सकते हैं, और उन बच्चों को हम आर्ट के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो आज जैसे शांपा पॉल जी ने इतना अच्छा एग्जीबिशन किया है हिडन ब्यूटी करके, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन नेचर का, जो हमारी मानसिक प्रकृति होती है, जो बहुत टाइम से और जैसे समाज में हम रहते हैं सब बोल नहीं सकते कि उनका ट्रू फीलिंग कैसे है, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कलेक्शन देख के जो ह्यूमन नेचर, ये जो इंट्रिकसीज है ह्यूमन नेचर को वो आगे लाते हैं ऐसे आर्ट से, वो आर्ट से हम बहुत प्रभावित होते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शांपा जी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन, वेरी ब्यूटिफुल आर्ट, वेरी इंट्रिकेट वर्क, एंड आई होप मोर आर्टिस्ट ऑल्सो प्रमोट सच आर्ट विच प्रमोट्स एजुकेशन इन रिटर्न। So thank you for having me here. Thank you so much for coming my show. और इन्होंने जो मतलब एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से दिया। ओके, और मुझे भी अच्छा लगा आपको, मैं मेरा जो प्रेजेंस है, मैंने जो आर्ट वर्क के थ्रू प्रेजेंट किया आपको, बहुत अच्छी तरह से ये पता चलेगा, क्योंकि आप एडुकेशन के थ्रू बिलोंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे प्रेजेंट किया, और मेरे एग्जीबिशन अपने गेस्ट ऑफ ऑनर हो के आए। थैंक यू सो मच।